आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सर। बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं जी सर। अच्छा ये बताइए कि आप जिस पुल के नीचे खड़े हैं जी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उस पुल पे कोई भी सेफ्टी नेट नहीं लगा हुआ है, सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फुलफिल किया जा रहा है, कहीं किसी दिन ये पुल गिर गया सर के ऊपर, तब क्या करेंगे आप? नहीं, वो तो ऐसे जो बना रहे हैं वो ऐसे थोड़ी गिर जाएगा, इतना कच्चा थोड़ी है। क्यों गिर जाता है हिंदुस्तान में पुल? ऐसे नहीं गिरेगा पुल। क्यों गिर जाता है, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों गिर जाता है? सेफ्टी नॉर्म्स कहीं फुलफिल नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी नेट नहीं लगाया गया है, सेफ्टी बेल्ट बिना सेफ्टी बेल्ट के वर्कर काम कर रहे हैं, तो कभी भी गिर सकता है ना। ना ये तो इनका इंजीनियर का काम है ना, हमारा काम थोड़ी, ये इंजीनियर का काम है देखना इसको गिरेगा जी नहीं गिरेगा या क्या गिरेगा। इंजीनियर का काम है ना, ये इंजीनियर का काम है हमारा। हेलमेट चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हो सकता है, सीट बेल्ट चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हो सकता है, भ्रष्टाचार चेक करने के लिए आज तक पुलिस नियुक्त नहीं किया गया है। और इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भ्रष्टाचार चेक करने वाले पुलिस हो। अगर कोई बिना हेलमेट का जाएगा फाइन हो जाएगा, बिना सीट बेल्ट का जाएगा फाइन होगा, लेकिन इस पुल में सेफ्टी नेट नहीं लगाया जाएगा, कोई फाइन नहीं होने वाला है, कोई फाइन। आम आदमी पुल के नीचे दब जाए मर जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर सड़क पे बिना हेलमेट का चलेगा उसे 2000 रुपया छाती पे चढ़ के वसूल लेना है। यह है हमारे देश की सच्चाई। इस देश को अगर अमेरिका रसिया चीन जापान फ्रांस से ज़्यादा महान ज़्यादा सशक्त ज़्यादा मजबूत ज़्यादा विकसित बनाना है ना, तो ट्रैफिक पुलिस ये सब हटाइए और भ्रष्टाचार चेक करने वाला एक पुलिस नियुक्त कीजिए, ताकि जगह जगह पे भ्रष्टाचार चेक हो। और जिस दिन इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये देश सच में किताबों में नहीं जमीन रहा है कितना दूर तक, लेकिन सेफ्टी नेट सेफ्टी नॉर्म्स कहीं भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है। हाँ, हालांकि पुलिस वाले हैं, मुंह में सीटी है और हाथों में डंडा है, क्यों वो आम आदमी पे चलेगा? वही डंडा ऐसे ऐसे लोगों पे चलता तो शायद जो है इस देश में कोई भी बिल्डिंग कोई भी पुल जो है समय से पहले नहीं गिरता। अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ जितना भवन पुल पुलिया है वो लाइफ साइकिल से ज़्यादा दिन तक चलता है। और आज़ाद भारत के हाई टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर अगर कुछ बनाते हैं तो वो समय से पहले गिरा देते हैं। ऐसा क्यों? क्या नाम हुआ तुम्हारा? पवन। अच्छा, साइट इंजीनियर तुम्हारे किधर है? पता नहीं, आ रहे होगे। अच्छा, इस अनसेफ माहौल में तुम लोग ये हैं साइट इंजीनियर यहाँ के, ये हैं आप हो साइट इंजीनियर? क्या सर्वे टीम में हो? इंजीनियर हो या नहीं हो? सर्वेयर हो। अच्छा, साइट इंजीनियर किधर है? साइट इंजीनियर साइट पे आगे होंगे। अच्छा ये बताइए, इतना अनसेफ माहौल में आप लोग काम कर रहे हैं, कहीं सेफ्टी नेट नहीं है, कहीं सेफ्टी जाली नहीं है, ये ऐसे लेके छड़ लेके आ रहे हैं, कहीं किसी को लग गया, मोटरसाइकिल वाले को लग गया, कहीं कोई हादसा हो गया, तब क्या होगा? यहाँ सांबा के जो लोग हैं ना, हाँ, वो खुद इस चीज़ को नहीं चाह रहे कि कोई काम करे। वो सांबा के लोग यानी मूर्ख हैं? मूर्ख की नहीं कह रहा मैं, मतलब कहने का मतलब सांबा के लोग जो है आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे बात सुनो, अब यहाँ पे काम चल रहा है, हाँ, इन्होंने बस लगा दी, हाँ, नेट है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ये? सेफ्टी नेट तो जब लगेगा, जब यहाँ काम हमारा अभी चल रहा है, हम खुद अपने साधन लेके आ रहे हैं, तो उसको रोक कैसे लेंगे पूरे साधन इसको? तुम्हारा अगर आदमी ऊपर से गिर जाता है, कोई लोहा गिर जाता है नीचे, तो क्या करोगे? नहीं गिरेगा वो। क्या? नहीं गिरेगा एकदम फिक्स है। पढ़े लिखे हो या बिना पढ़े लिखे तुम इंजीनियर बन गए हो? जब सारा इसके ऊपर रखा हुआ है तो कैसे गिरेगा? मंगल ग्रह से सैटेलाइट गिर जाता है, तुम्हारा ये ऊपर से लोहा नहीं गिरेगा? गिरेगा उसको। और जब बता तो रहे हैं, जब अपनी सेफ्टी के खुद काम कर रहे हैं, हम सेफ्टी का अपना ऐसे में ऊपर से कोई लोहा हुआ गिरता है ना, ऐसे में हम रोड जाम करते हैं पहले, तब ऊपर से कोई सामान गिराते हैं, जब गिरने का चांस बनता है ना सामान गिरने के लिए, तब हम आगे से रोड जाम करते हैं, तब ऊपर से सामान गिराते हैं। जब ऊपर से सामान गिराते हो, अभी तुमको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ कि कल तुम लोग कैसे गिरा रहे थे, सब रखा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। अगर गिर गया ऊपर से कुछ किसी के सर पे गिर गया, तब तुम क्या करोगे? तब नितिन गडकरी आके तू मुआवजा देंगे क्या? देखिए, हम लोग इंजीनियर को ढूंढ रहे थे, तो ये भाई साहब आइंस्टाइन बनना शुरू कर दिए इस साइट पे। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? दीपांशु कुमार। हेलमेट किधर है? सेफ्टी हेलमेट तुम्हारा?
सेफ्टी हेलमेट नहीं है। सेफ्टी सूज किधर है तुम्हारा? नहीं है। सेफ्टी ग्लव्स किधर है तुम्हारा? नहीं है। जैकेट किधर है? सेफ्टी जैकेट नहीं है। नहीं है तो तुम काम क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ना तेरे पास सेफ्टी हेलमेट है, ना सेफ्टी सूज है, ना सेफ्टी जैकेट है, ना सेफ्टी ग्लव्स है, और उसके बावजूद भी मैंने शुरू में ही बोला कि मुझे लेबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे साइट इंजीनियर से मतलब है, तो तू अपने आप को आइंस्टाइन बनना शुरू कर दिया और तेरे पास कुछ नहीं है। तू बोल रहा है कि नहीं हम लोग अपने हिसाब से, इस हिसाब से तो आपको जितने टोटल मिलेंगे, जितना काम कर रहे सब मेरे जैसे मिलेंगे, इसी तरीके से काम करते हुए सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, यानी गलत काम हो रहा है यहाँ पे। वो आप देखो, अगर सुन, तू यहाँ पे खड़ा हो जाओ, ऊपर से अगर 20 mm का पत्थर अगर तेरे सर पे गिर जाए, सिर्फ 20 mm का, 20 mm का पत्थर समझता है कितना होता है? ये साइज का, ये तो 30 mm हो गया। इस साइज का पत्थर अगर, मोटा सा पत्थर तेरे सर पे गिर जाए, क्या होगा तेरा? क्या होगा? चोट लगेगी। चोट लगेगी। अच्छा, तो इसीलिए जब हम लोग इंजीनियर को ढूंढे ना, तो चुपचाप एड्रेस बता देना चाहिए कि इंजीनियर किधर है, हम इंजीनियर से बात करेंगे। आपको सबसे पहले मैंने उनका एड्रेस ही बताया था, आप बोले तो हम बोले। नहीं बताए, तुम तो बोले कि इंजीनियर भाग गए, उधर चले गए। किधर है इंजीनियर? बोले तो आपको वहाँ लाइट का खंबा खड़ा कर रहे हैं आगे, आप वहाँ चले जाते। आप लाइट का खंबा सबसे एकदम पुल के एकदम लास्ट में, इधर कोई नहीं है, इधर नहीं है सबसे। सारे लोग तेरे ही जैसे काम कर रहे हैं ऊपर? जी हाँ बिल्कुल, सारे लोग। किसी के सर पे हेलमेट नहीं, किसी के पास जैकेट नहीं, किसी के पास शूज नहीं, किसी के पास ग्लव्स नहीं। नहीं, सब ऐसे कट रहे हैं। और ये जम्मू रीजन के सांभा में एक फ्लाईओवर का काम हो रहा है, वहाँ पे इस प्रकार से काम हो रहा है, जरा सोचिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अब्दुल रहमान। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? सर ये सेटिंग का काम करते हैं। सेटिंग का काम करते हैं। अच्छा, इंजीनियर साहब किधर हैं? इंजीनियर साहब अभी साइड से इधर आगे गए। किधर? इधर की साइड में गए। अभी उधर से आ रहा हूँ तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इस साइड है, और इधर जब आ रहा हूँ तो इधर के लोग बोल रहे हैं इंजीनियर साहब उस साइड है। थोड़ी देर पहले भी इधर गए थे हम। थोड़ी देर पहले मैं उधर था तो उधर के लोगों ने बोला कि इधर है। बीच में रुक गए हैं, कहाँ रुके हैं? अच्छा, सटरिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। जी। अच्छा, यहाँ पे सेफ्टी नेट क्यों नहीं लगाए? सर वो कंपनी देखेगी, हम क्या देखें। सेफ्टी नेट नहीं है। ये लोग सभी लोग सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने, सेफ्टी हेलमेट नहीं पहने, सेफ्टी शूज नहीं पहने, क्यों नहीं पहने? कंपनी ने नहीं दिया था। ये किसी आदमी ने नहीं पहना, देख रहे हैं? कोई मालूम है, कोई नहीं पहना। कोई नहीं पहना ना? एक आदमी को दिखाइए जो सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज पहना हो। सर हम घर से थोड़े लेके आएंगे, कंपनी देगी तो हम करेंगे ना। कितने लोग साइट पे काम कर रहे हैं? हम लोग 30-40 बंदे। 30-40 तो यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल साइट पे कम से कम 400-500 लोग काम कर रहे होंगे। 100 लोग के आसपास होंगे। 100 लोगों के आसपास, 100 लोगों में से कितने? और ये सांभा रीजन में ये काम हो रहा है, जो दिल्ली को जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से जोड़ेगा, वो हाईवे है, और वहाँ पे इतना इम्प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर से सब लोग जो है ना देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कुछ लोग, उन लोगों को उम्मीद है कि क्या पता कि मनीष कश्यप वीडियो बना रहे हैं अगले दिन से हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी जूता पहन मिल जाएगा। अब देखिए, वो जो लड़का है वो सैंडल पहने हुए है, अगर उसका सैंडल कहीं भी फंस जाएगा तो ऊपर से गिर जाएगा, कहीं भी फंसेगा, तो इसीलिए सेफ्टी शूज जरूरत होता है। और किसी के पास सेफ्टी शूज नहीं है, सेफ्टी हेलमेट नहीं है। हालांकि ये जो लड़का है सामने वाला, बिमल खा रहा है हाथ में, देख सकते हैं। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ये सच्चाई है। और देखिए यहाँ पे ये जो काम हो रहा है, कहीं नहीं तो कहीं इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टील जो है ये एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जा रहा है, कहीं नहीं तो कहीं उसको सेफ तरीके से ले जाया जाना चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। इंजीनियर साहब आज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं, इंजीनियर साहब मिलेंगे ना इधर ही। नंबर उम्र है आपके पास? मेरे पास में उनका तो नंबर नहीं। अच्छा, किसी के पास? सुपरवाइजर के पास? सुपरवाइजर के पास नंबर होगा उन लोगों का? नहीं तो सुपरवाइजर का नंबर आपके पास? हमारे पास, हम तो लेबर के बंदे, हम क्यों रखेंगे नंबर? लेबर के बंदे हैं। चलिए, साइट पे अक्सर लेबर ही मिल जाते हैं, इंजीनियर नहीं मिलते हैं, इसलिए इंजीनियर नहीं मिलते हैं कि इंजीनियर कहीं नहीं तो कहीं भागने का प्रयास करते हैं, या छिपने का प्रयास करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइड में जो है लोहा लगा हुआ है सब साइड में, और कहीं नहीं तो कहीं उसको जो है प्रॉपर फेंसिंग से जो है ना लॉक नहीं किया गया है, जिसके वजह से वो कभी भी गिर सकता है, और जब गिरेगा तो कहीं नहीं तो कहीं हादसा होगा। जी जी बेस सही है ना? लेकिन वो गिरेगा नहीं, इसमें वेल्डिंग लगा हुआ है। लेकिन वो गिरेगा नहीं, हमारे देश के साइंटिस्टों ने सोचा था कि मिशन चंद्रयान जो है वो सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं सफल हुआ। तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो लेके चलना पड़ेगा ना? सही है, सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन सर जी हर जगह अगर बंदा सेफ्टी, मतलब जो यहाँ पे है ऊपर, अगर बाहर की साइड, ठीक है, आपके साइट पे काम करने वाले 30% लोग जो है सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज नहीं पहने, बाकी 70% लोगों को तो पहनना चाहिए, 50% लोगों को तो कम से कम सेफ्टी नॉर्म्स चाहिए ना सर जी। हाँ। वो चीज़ तो कंपनी देखेगी ना, हम अपने घर से थोड़े लेके आएंगे। हाँ। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम यहाँ पर मजदूरी क्यों करते आके?
जरा सोचिए, ये बात सच बोल रहे हैं। मजदूरों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके जान की बाजी लगा के जो है काम कराया जाता है, और इन्हें जो जो चीजें देना चाहिए वो चीजें नहीं दी जाती है। लेके आएंगे, और ये लोग बेचारे कहाँ से अपने घर से लेके आएंगे? मैं अब कोई रोड में जा रहा था, किसको पता खुड़िया भाई क्या फेंकेगा क्या नहीं फेंके, अभी फेंका सिरे तो कोई मर जाएगा क्या, जम्मेवारी किसकी है? अभी ऊपर से एक बंदे ने कुछ सामान फेंका है, अभी अगर मैं जा रहा मैं मर जाता हूँ किसको बोलना था? इसका कोई इंक्वायरी कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा, ये लोग फेंकते हैं ना ऊपर से? ऊपर से फेंकते क्या फेंकते हैं? आप यहाँ के लोकल है ना? मैं लोकल हूँ उधर का। हाँ। मैं रहने वाले हूँ प्रॉपर। हाँ। अभी फेंका इसने? अभी फेंका, अभी हम अभी फेंका मैंने फेंका, और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। हाँ, गलत है क्या नहीं? जो कोई जा रहा है जो ऊपर से कुछ फेंक देंगे मर जाएगा, जो हमारे कौन है इसका पुरका जो हमारे कौन है? ऊपर दो मिनट उनको हमें सुटी रही चाहिए, कोई मर जाता सलाह को नहीं हमारा बोलो ऊपर चाहिए सुटी रही कौन है? फेंका क्या नहीं फेंका? ऊपर चाहिए फेंका किसने? कोई नीचे आ जाएगा मर जाएगा कौन जमा मारा उसको? ऊपर से मटेरियल फेंक रहे हैं ऊपर से। कौन फेंक कौन फेंक? पूछो ना, ये लोकल है, स्थानीय है, इन्होंने देखा, इनके आंखों के सामने फेंका। अरे तो उधर आओ, को जा रहे वहाँ? आप ठेकेदार है ना? नहीं मैं ठेकेदार नहीं। तो फिर ठेकेदार कौन है? वो बोल रहे हैं आप है, आप बोल रहे हैं वो है। अरे हम सरिये का काम, दोनों में से ठेकेदार कौन है? मैं तो लेबर का बंदा हूँ, लेकिन ये सरिये का काम करते हैं हम। मतलब तो ठेकेदार कौन है दोनों में से? ठेकेदार नहीं, हम सरिये का काम कर रहे हैं। मतलब सरिया का ठेकेदार है? ठेकेदार वो अलग है, सरिया के ठेकेदार आप ही है ना? नहीं नहीं, अभी ये काम कौन करवा रहा है? लेबर का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो हम भैया पंकज। पंकज तो सुपरवाइजर है। हाँ तो पंकज वो है। कोई नहीं मिलेगा हम लोगों को अभी समय पे, और जब हम लोग चले जाएंगे तो सभी लोग मिलेंगे। अच्छा, अभी आपके लोग जो है ऊपर से सामान क्यों फेंक रहे हैं? आप कौन सा कार्रवाई करोगे? कोर्ट मार्शल करोगे उन लोगों का? उन्हें बुलाना पड़ेगा जो यहाँ। कोर्ट मार्शल करोगे कि क्या करोगे? अरे जो सुपरवाइजर है उनको बुलवाएंगे यहाँ पे भी। मतलब करोगे क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या एक्शन क्या लोगे? एक्शन तो वही लेंगे ना, जो ठेकेदार यहाँ। कुछ एक्शन नहीं होता है, सच्चाई ये है कि ये सभी लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं गलत तरीके से काम कर रहे हैं, और गलत तरीके से काम करवा रहे हैं। अगर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग होता तो शायद जो है ये नौबत नहीं आता। रोड का काम चल रहा है इधर सांबा में, तो जो लापरवाही में चल रहा है कोई नीचे आएगा, जो गिरे किस में सिर फट जाए मर जाए, तो इसका लापरवाही जो मवार कौन है? वो बैठे हैं ऊपर। किधर बैठे हैं? वो तीन बैठे ऊपर छिपे हुए हैं। हाँ छपे हो गए। हाँ क्यों छप गए? जब ये आप बोल रहे हैं छप गए क्या होंगे? एक इधर बैठा वो बैठे सामने, वो भी देखो कैसे छप गए, क्यों छप रहे? साले लापरवाही में फेंक देते हैं, कोई मर जाएगा क्या कर रहा उसका? वो साले सभी उसका रोड के बंदे हैं। इंजीनियर साहब आए हैं क्या? ये किसकी गाड़ी है? NHAI की गाड़ी है ना? ये गाड़ी किसकी है? ये अभी HR नंबर NHAI दूसरी साइड की। मतलब साइड की ही गाड़ी है? साइड की। मतलब इसी ठेकेदार के अंदर में काम? हाँ, वो साइकिल वालों की है। वो साइकिल वालों की है, अलग कंपनी की। मतलब इंजीनियर आज कितना भी ढूंढ लूँ नहीं मिलेंगे? सर आज संडे है ना, छुट्टी पर है ना सर। संडे को इंजीनियर छुट्टी पे और लेबर काम पे? तो सर जी काम करना ही करना। हाँ, इंजीनियर छुट्टी पे नहीं, वो लंच के बाद चले जाते हैं ना सर। अब जरा सोचिए, इंजीनियर साहब आज संडे को छुट्टी पर आएंगे और काम इतना स्पीड में होगा तो कहाँ से काम सही होगा? तो इंजीनियर साहब कहीं से भी ढूंढने से आज नहीं मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं, लेबर मिल जा रहे हैं, सुपरवाइजर भाई साहब भी मिल जा रहे हैं, देखिए भाग रहे हैं, और सभी लोग जो है ये देखिए यही हीरो मिला था हमको सबसे पहले। बेचारा इसकी गलती नहीं है, इसको सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज और सेफ्टी जैकेट दिया जाए, और सिर्फ इसी को नहीं सबको दिया जाए। और आज संडे है ना? जी हाँ। तो तुम काम कर रहे हो? जी हाँ। और इंजीनियर नहीं मिल रहा हमें? कोई बात नहीं, वो हमें नहीं पता किधर है। हमें नहीं पता है किधर है, इंजीनियर पता नहीं है, वर्कर को नहीं पता है किधर है, और काम हो रहा है, और यही कारण है, यही लापरवाही है जिसके वजह से जो है आधुनिक भारत का आधुनिक स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत नहीं बन रहा है, समय पे नहीं बन रहा है, टिकाऊ नहीं बन रहा है, और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है।
ध्यान से देखिए इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। आखिरी में बस आपसे यही कहूँगा कि इस प्रकार से लापरवाह ठेकेदार लापरवाह इंजीनियर के ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे, वरना इस देश का कोई भी मेगा स्ट्रक्चर जो है अपने लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि आप एक ईमानदार पथ परिवहन मंत्री हैं और आपने अनेकों बड़ा बड़ा काम करवाया है इस देश में, जिसका उम्मीद जो है हम लोग नहीं करते थे, लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान ऐसे अनेकों साइट है जहां इंजीनियर और ठेकेदार लापरवाही के साथ काम करते हैं और कहीं नहीं तो कहीं इससे बड़ा हादसा होता है और गलत तरीके से काम करने के वजह से जो है हमारा पुल पुलिया भवन जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, उम्मीद है कि आप कड़ा से कड़ा कार्रवाई करेंगे। बाकी सांभा के इस फ्लाईओवर के पास से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताना और हो सके तो इस वीडियो को नितिन गडकरी जी तक पहुँचा देना। जय हिंद।